ना पहली बार बड़े अच्छे बड़े ब्रेवली आपने कुछ स्टैंड लिया, और क्या था वो फाइट हो रही थी पर बाइक आपने स्टैंड तो नहीं आया। साची ने पहले भी काफ़ी बार आर्यन के लिए स्टैंड लिया है, जैसे मुँह दिखाई था तो मुँह दिखाई के वक्त तो सिर्फ आर्यन के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए साची ने स्टैंड लिया, अपने नए परिवार के लिए। ये रेस इसलिए थी क्योंकि वो थोड़ा हमें उकसा रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं मतलब... उकसा नहीं रहे थे एक्चुअली, आर्यन साची ऐसे नहीं किसी के उकसाने से ये हो जाए, बट एक्चुअली क्या था ये बस ऐसे बोले कि उकसा रहे थे, असली बात ये है कि उन्होंने साची के पति को इंसल्ट की थी। आई वाज कमिंग टू दैट कि एक तो उकसा रहे थे, ऊपर से ये कह रहे थे कि मतलब आर्यन के लिए बहुत कुछ बोल रहे थे और मेरे पति की इंसल्ट को मेरे सामने कर दे, मैं ये कैसे सहन कर सकती हूं। व्हेन आई नो कि इससे इनसे अच्छी बाइक कोई चला ही नहीं सकता, तो मैं वही फिर आप क्यों नाराज़ हो रहे मैं तो नाराज पहले से हूँ। ये बोल रहे हैं कि क्या फायदा है मतलब क्यों, मतलब वो होता है ना कि क्यों उनके लेवल तक जाना है। आपके पास ताकत है तो हर बार दिखाने की जरूरत थोड़ी है, खुश रहने दो ना अपनी दुनिया में। क्या चलिए आगे हनीमून किस तरह का, इतना ही एडवेंचरस होने वाला है और गिर भी गए लग भी गए बिल्कुल। फैंस को हम यही कहना चाहते हैं कि आप हनीमून से जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उससे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारा हनीमून, तो आप देखिए ऐसे लग रहा है कि दो बच्चों को खेलने भेज दिया है और वो पहले तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फिर जब कोई और गैंग के लोग आ जाते हैं ना तो वो दोनों साथ हो जाते हैं, तो आपको एक्चुअली में साझेदारी देखने को मिलेगी और वो फ्रेंडशिप वो प्यार देखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर देखना। एंड आई थिंक सिर्फ हनीमून नहीं, अब तो आर्यन साची एक हो गया तो पूरा शो ही और एडवेंचरस इवेंटफुल एंड इंटरेस्टिंग रहेगा। पहले भी इंटरेस्टिंग था बट अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आप जो देखना चाह रहे थे वो आपको मिलने वाला है, जो आप बार बार मैसेजेस कर रहे थे वो आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप ज़रूर देखिए 8:30 PM सोनी। थैंक यू।